गदर 3 की स्टोरी हुई लीक, क्या होगी गदर 3 की कहानी बताएंगे आज, और कौन थी भगवान श्री कृष्ण की बहन जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जानने के लिए बने रहिएगा आखिर तक। फैक्ट नंबर 12, गदर की सीक्वल गदर 2 ने तो धमाल मचा दिया था और खूब कमाई की, ऐसे में गदर 3 भी आएगी और फिर गदर 3 को लेकर अब कई सारी बातें भी सामने आ रही है। जैसे की इस फिल्म में सनी देओल और उत्कर्ष शर्मा का होना तो पक्का है, और विलन चाहे कोई भी हो लेकिन हीरो तो सनी देओल ही रहेंगे। और उत्कर्ष शर्मा और भी बड़े हो जाएंगे, ऐसे में विलन कौन होगा इस बारे में भी चर्चाएं चल रही है। कुछ लोगों का मानना है कि अशरफ अली और हामिद इकबाल के बाद गदर 2 में जो हामिद इकबाल का छोटा सा बच्चा दिखाया गया था वो गदर 3 में विलन बन सकता है, और कहानी एक बार फिर से गदर 3 में इंडिया पाकिस्तान के आसपास घूमती रहेगी। फैक्ट नंबर 11, भगवान कृष्ण और उनके भाई बलराम जी के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन उनकी एक बहन भी थी जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, जिसका नाम सुभद्रा था, और भगवान कृष्ण ने इनका विवाह अर्जुन के साथ करवाया था। हालांकि सुभद्रा के विवाह में काफी सारी अड़चने आई थी, जिनमें से एक थी बलराम जी, क्योंकि बलराम जी ने सुभद्रा के विवाह का वचन दुर्योधन को दिया था, पर आखिर में जैसे तैसे करके कृष्ण जी ने सुभद्रा का विवाह अर्जुन से करवा ही दिया। सुभद्रा और अर्जुन का बाद में एक पुत्र भी होता है और उसका नाम था अभिमन्यु, और अभिमन्यु के बारे में तो हर कोई जानता है कि वो कितना वीर योद्धा था। फैक्ट नंबर 10, जब इंजीनियरिंग बेहतर हो तो कम से कम जगह में भी अच्छा निर्माण किया जा सकता है, और इसका बेहतर नमूना ये घर है जो कि केवल 5 फीट जगह के अंदर ही बना हुआ है। इस घर की खास बात यह है कि इतनी कम जगह होने के बावजूद भी इसमें सारी फैसिलिटीज मौजूद है। घर के मालिक का कहना है कि घर को बनाने का कारण उसकी पत्नी है, जिसको मुंह दिखाई में ये जमीन दी गई थी, और अपनी पत्नी का मान रखने के लिए ही इन्होंने ये घर बनवाया है। इस घर के अंदर बच्चों की कई क्लासेस भी चलती हैं और ये घर बिहार के अंदर मौजूद है। फैक्ट नंबर 9, अब हम आपको बॉलीवुड के कुछ ऐसे लेजेंड एक्टर से मिलवाने वाले हैं जिनकी उम्र बॉलीवुड में अन्य स्टार से काफी ज्यादा है, क्योंकि वो 100 साल के आसपास पहुंचने वाले हैं। नंबर 1, शत्रुघ्न सिन्हा। शत्रुघ्न सिन्हा को कौन नहीं जानता, क्योंकि ये अपने टाइम के लेजेंड थे जिनका जन्म 1946 में हुआ था और ये आज 77 साल के हो चुके हैं। नंबर 2, अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन तो शत्रुघ्न सिन्हा से भी 4 साल बड़े हैं, यानी कि ये 81 साल के हो गए। नंबर 3, धर्मेंद्र पाजी। दोस्तों, धर्मेंद्र पाजी की उम्र भी काफी ज्यादा हो चुकी है और इसी वजह से ये अब ठीक से चल भी नहीं पाते। बात करें इनकी उम्र की तो ये अब 87 साल के हो चुके हैं। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा पीने लायक पानी कहाँ है? यूँ तो पूरी दुनिया में पानी की कमी नहीं है, धरती पर 70% पानी है, लेकिन पीने का पानी बहुत कम है। ज्यादातर पानी समुद्र के रूप में है जो कि पूरी तरह से खारा है, लेकिन उसमें भी सबसे ज्यादा पीने लायक पानी केवल ब्राजील के अंदर ही है। ये इकलौता ऐसा देश है जहाँ पर दुनिया भर के देशों से ज्यादा पानी पीने लायक मिलता है। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों वैसे तो किसी भी रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद नॉर्मली हमारी प्लेट को उठाना और टेबल को साफ करने का काम वहाँ के वेटर्स का होता है, लेकिन जापान में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस देश में लोगों के झूठे बर्तनों को वेटर्स द्वारा किचन में पहुँचाने को शुभ नहीं माना जाता। ऐसे में जापान के अधिकतर रेस्टोरेंट में प्लेट्स को धोने के लिए ऐसे ड्रेनेज सिस्टम को लगाया गया है जिसमे टेबल के साइड में लगी हुई एक विंड में आपको बस अपनी खाई हुई प्लेट को कुछ इस तरीके से डाल देना है और वो धुलती धुलती ऑटोमेटिक किचन तक पहुँच जाएगी। क्यों है ना शानदार चीज दोस्तों। फैक्ट नंबर 6, केरल में पाई जाने वाली मांगुर मछली जिसे सरकार ने पूरी तरह से बैन कर दिया है, और इसे बैन करने का कारण जानकर आप भी चौंक जाएंगे। दरअसल इस मछली को लैब में तैयार किया गया था और इसी वजह से ये बहुत ही जल्द ग्रोथ करती है। इतना ही नहीं, ये मछली पूरी तरह से मांसाहारी है जो कि अपने आसपास रहने वाली दूसरी मछलियों और अन्य जीवों को खा जाती है, लेकिन ये इसको बैन करने का कारण नहीं था। मांगुर थाई मछली को इसलिए बैन किया गया क्योंकि इसका सेवन करने वाले लोग बुरी तरीके से बीमार होने लगे और उनकी मौत होने लगी। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें और अपना पसंदीदा फैक्ट कमेंट करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। आपका एक शेयर हमें मोटिवेट करता है ऐसी ही और वीडियोस बनाने के लिए। धन्यवाद।